नमस्कार, मैं उदीप शिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं जो कि चरखी दादरी से आ रही है। यहां आपको बता दें कि चरखी दादरी में 68वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कृषि मंत्री जीपी दलाल यहां पहुंचे। देश भर से दादरी पहुंची महिला खिलाड़ियों से उन्होंने परिचय करते हुए स्वागत किया। खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब करा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां आपको बता दें कि चरखी दादरी से जानकारी, जहां राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और उन्होंने जो तमाम खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यहां आपको बता दें कि चरखी दादरी से बड़ी जानकारी, राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है और जेपी दलाल यहां पर पहुंचे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उनका सम्मान बढ़ाया, हौसला अफजाही किया और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है और इस प्रतियोगिता में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना करी, उनसे बातचीत करी, उनका हाल जाना, उनका मनोबल बढ़ाया। राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता में वो पहुंचे, इसका आगाज हो चुका है प्रतियोगिता का और कई महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है और जिन प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है उनका सम्मान किया, उनका मनोबल बढ़ाया। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कबड्डी प्रतियोगिता में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल और यहां पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया, खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी उन्होंने यहां पर पहुंचने पर की। राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है चरखी दादरी से, इस वक्त की बड़ी जानकारी।